जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मैं तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त हम आपके साथ ट्यून इन हो चुके हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर। इसके अलावा इंस्टाफैम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सना हुमायूं ऑफिशियल को भी, और यूट्यूब पर आप मेरा FM ऑफिशियल को, मेरा FM को आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट यू विल गेट टू नो के मेरे शोज़ कब पब्लिश होते हैं, रिकॉर्डेड शोज़। इसके साथ साथ आज टैरो नाइट नहीं है, सो वी गोना टॉक अबाउट अ फ्यू अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड एंड डेफिनेटली जो हमारी लाइफ में चल रहा है। सो मुझे लगता है कि यार जिंदगी में आपने सभी रंग तो देख ही लिए हैं, सभी कुछ आपने आजमा लिया। कुछ भी हो जाए आपको नयापन नहीं लगता, आपको लगता है यार ये तो वही सारी बात है, ये तो ये हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं तो ऐसा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, ऑल इज लाइक वेरी वेल नोन और कोई सरप्राइजिंग एक्साइटिंग फैक्टर नहीं मिल रहा लाइफ में। सो बाय कीपिंग दैट थॉट अलाइव के देखें, होप के बगैर तो जिंदगी नहीं गुजरती। एक्साइटमेंट ना हो आपको किसी चीज़ के पाने की, खुशी ना हो, कोई आपको लगन ना लगी हो, कोई आपको मकसद का कीड़ा ना काट रहा हो, कहीं कोई आग ना लगी हो, कोई ऐसी ड्राइविंग मोटिवेशनल, जब तक कोई विद इन के अंदर कोई ऐसी फोर्स ना हो, मुझे नहीं लगता कि जीने में मज़ा आता है। और जीने में मज़ा आने के लिए बाहर की एनर्जीज कितनी भी खूबसूरत हों, आप कितने भी अच्छे घर में बैठे हुए हो, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हों, आपके आसपास कितनी अच्छी कंपनी हो, आपकी बैंक अकाउंट में कितना पैसा हो, और आप कितने भी खूबसूरत हो जाओ और आप कितने भी समझदार हो जाओ, बाय द एंड ऑफ द डे इट्स यू। जब तक अंदर से कोई फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो हाय मोमिन, हाउ आर यू? वी जस्ट आज मर्द से मुलाकात हुई तो ऐसे ही बातों बातों में सबका जिक्र चढ़ गया। सो वी हैव बीन मिसिंग यू गाइस, एवरीवन, ऑल द फ्रेंड्स डेफिनेटली, और तमाम लोगों को मैं खुश आमदीद कहती चलूँ जिन्होंने मुझे इंस्टा फैम पर भी लाइव ज्वाइन इन किया है। इसके अलावा आप मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर, सियालकोट में 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर सुन सकते हैं। ओके, माय काइंड ऑफ गर्ल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल आर देयर इन द वर्ल्ड। चलिए जी, गाना सुनाते हैं आपको, अजनबी फीचरिंग मायरा खान विद आतिफ असलम। ओ यस, वो क्या है कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे क्या ख्वाब टिकेंगे, और जब अच्छे लोग नहीं रहे तो बुरे क्या ख्वाब टिकेंगे। तो वो क्या है कि अच्छा हो या बुरा हो, जिंदगी में ना एक बात का सुख है जो हमेशा आपको कीप ऑन गोइंग रखता है, कि टिकना कुछ भी नहीं है। इट्स 2-2-2, इट्स वेयर 2-2-2, इट्स नो 2-2-2, यू हैव सो मेनी 2-2s। और आज है 30 अप्रैल 2024, फाइनली अप्रैल का महीना गुजर गया। अप्रैल तो चुंबक ही हो गया था, सीरियसली गुजर ही नहीं रहा था ना। ईद आई, रमजान आया, ईद आई, मेरा यार नहीं आया सारे ट्रेडिशंस पूरे किए अप्रैल ने, बरसात आई पर प्यार नहीं आया रेट्रोग्रेड आया, रेट्रोग्रेड खत्म हो गया पर पैसा नहीं आया, हर कोई इंतजार ही करता रह गया, किसी को प्यार का इंतजार था एंड एवरीबॉडी वाज कंप्लेनिंग, यार तुमने कहा था प्यार आएगा, प्यार नहीं आया, तुमने कहा था पैसा आएगा, पैसा नहीं आया, तुमने कहा था ये आएगा, वो नहीं आया। सो आई वाज टेलिंग यू गाइज इन ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेड के रेट्रोग्रेड में तो जो भी मैं कह रही थी वो कुछ नहीं होने वाला था। नाउ द रेट्रोग्रेड इज ओवर एंड नाउ इज द टाइम फॉर द क्लैरिटी। और मई का पूरा महीना जो है, अब हमें लगेगा कि अब हम कैसे उस क्लैरिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बिकॉज माइट बी द थिंग्स विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टिल वी आर ब्लाइंड टू इट। सो खुदा हमें ताकत दे के हमारी आँख खोले, दिल का शऊर खोले, क्योंकि दिल का भी दिमाग होता है और दिमाग का भी दिल होता है। सो आप हर वक्त जो है वो दिल और दिमाग की कोई अलग जंग नहीं होती है, इसी दुनिया में है सारे से आपे, आपकी ज़ात से जुड़े हैं सारे से आपे। जब तक आपकी अपनी ज़ात है तब तक सारे से आपे चलते ही रहेंगे। कोई मर जाए, कोई जिंदा रह जाए, कोई छोड़ के चला जाए, कोई आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, सो यू आर ऑलवेज वेरी वेल कनेक्टेड टू एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू यू। और ये कह देना कि ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो कोई दूर है तो पास नहीं है, कोई पास है तो पास होके दूर है, आई मीन इट्स ऑल माइंड बॉगलिंग।
क्लैरिटी इज दिस के जब आप सोल लेवल पर देखते हैं, जब आप एक हायर सेल्फ पे दुनिया को देखते हैं, तो वहां पर तो एवरीबडी इज सो कनेक्टेड टू एवरीवन। और मेंटल पीस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्सेप्टेंस ऑफ इट इज व्हाट इट इज को कर ले, कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा है तो ऐसा ही सही है, कोई ऐसा है तो ऐसा ही सही है, और कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा ही ठीक है। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट पावर। सो गेट रेडी फॉर एनीथिंग दैट इज कमिंग अप इन योर लाइफ। और मैं तो कहती हूँ कि सबकी आँख खुले ताकि सबको पता चले कि क्या मिलने वाला है। आई वॉज लिटरली डूइंग रियली गुड इन माई एग्जाम्स एंड आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट। दैट्स वेरी गुड इफ यू आर डूइंग रियली वेल इन योर एग्जाम्स। बाबा जी को सलाम, वालेकुम असलम। अच्छा जी, आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग, माई काइंडा गर्ल। अंग्रेजी वाला गाना सुनाती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा वाइब फील करें हम भी। सो वॉट, वाई नॉट। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। वो क्या है कि अब नजरियात बदलने का वक्त आ गया है। अगर अब आपने अपनी जिंदगी में अपने नजरियात नहीं बदले, तो अब आप खुद अपनी हरकत, अपने नजरिए की वजह से, अपने नैरो माइंडेडनेस और अपनी लैक ऑफ मेंटालिटी एंड प्रेजेंस एंड लैक ऑफ माइंड पावर की वजह से अगर जिंदगी में पीछे रह गए, तो बॉस ये अफसोस बहुत बुरा होता है। और ये अफसोस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जात का बोझ होता है, और इस जात के बोझ को, दिल का बोझ तो मैं कहती हूँ फिर कोई अपना बांट लेता है, दिमाग का बोझ कोई अपना नहीं बांटता। इट्स सो सेल्फिश काइंड ऑफ अ जोन कि अगर यहाँ पर आपने अपनी ईगो ब्रेक नहीं की, तो यू विल बी फीलिंग लेफ्ट आउट फॉर योर होल सेल्फ, फॉर योर होल लाइफ टाइम, फॉर योर होल एग्जिस्टेंस। तो मैं तो कहती हूँ अब वो टाइम आ गया है कि ओपन अप योर माइंड एंड एक्सेप्ट द डिफरेंसेस अराउंड यू। किसी की अगर कोई एक बात बुरी लग गई है, किसी में अगर कोई एक बात बुरी है, किसी चीज में अगर कोई एक ग्रीन फ्लैग है, कोई एक रेड फ्लैग है, कोई एक बुराई है, कोई एक चीज है, तो उसको या तो लेट गो करना सीखें या उसको बर्दाश्त करना सीखें। बिकॉज दुनिया किसी से कट 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 के जीने का नाम नहीं है, जिंदगी दुनिया जीने का नाम है सबसे मिल कर रहने का। और जब भी कोई ओकेजन्स आते हैं, बारिश होती है, शादियां होती हैं, कोई ईद आती है, तो ये हमें एक्चुअली यही पैगाम देने आती है कि जब सब एक दूसरे से अनकंडीशनली अनअपोलोजेटिकली जब तक कनेक्टेड नहीं होते हैं, आपकी जिंदगियों में सुकून नहीं आता। और द मोर यू गेट मेच्योर इन योर लाइफ, यू रियली नीड टू गेट मेंटली ग्रो। अदरवाइज बचपना दिखा लेना या लोगों में गलतियां निकाल लेना, जजमेंटल हो जाना, मेड़ मेखियां निकालना, बुराइयां निकालना, इसमें ये निकालना और वो निकालना, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए ना किसी डिग्री की जरूरत है और उसके ना ही किसी के लिए अकल की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि कौन ये सब कुछ जान कर भी आपके साथ जिंदगी में जुड़ता है और साथ चलता है। बड़ी बात यह है, बड़ी बात ये नहीं है कि कोई आपके अंदर बुराई देख लेता है, बड़ी बात यह है कि कोई आपके अंदर बुराई देख कर भी आपके साथ चल रहा है, कोई आपकी कमजोरी देख कर भी आपके साथ चल रहा है, तो जिंदगी यहाँ खुश होती है। और जिंदगी में कई किस्म के रिश्ते होते हैं। मुझे लगता है कि वी रियली नीड टू चेंज आवर बिलीफ सिस्टम्स अबाउट लव, अबाउट आवर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स आर नॉट मेंट फॉर सहारे एंड ऑल दैट। रिलेशनशिप्स में हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अभी तक सहारे ही ढूंढ रहे हैं। हाय कोई मिल जाए हमारा बोझ उठा ले, हाय कोई मिल जाए मेरे दिमाग की टेंशन ले ले, हाय कोई मिल जाए मैं खुश कर दे, हाय कोई मिल जाए मैं आप पे पैसे खर्च कर दे, हाय कोई मिल जाए। अरे क्यों मिल जाए, आप खुद पहले खुद तो ऐसे बनो कि लोग आपकी ख्वाहिश करें। द लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। जब आप इतने नीडी होते हैं तो आपको भी आगे से नीडी लोग मिलते हैं, और फिर आप कहते हैं यार दबाने में देखो किस कैसे लोग हैं। सो यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। तो इसलिए अपना माइंडसेट ओपन करें, क्योंकि अब जिंदगी में रियलिटी चेक्स का टाइम आ गया है। एंड वेन यू हिट रियली हार्ड फ्रॉम विद द रियलिटी, यू रियली नीड टू एक्सेप्ट वॉट इट इज। बट एट द सेम टाइम दिल तो बड़ा करना ही होता है, क्योंकि पेन बर्दाश्त करनी है तो उसके लिए दिल बड़ा करना है, और सब कुछ बर्दाश्त करके भी किसी के साथ चलना है तो आपको दिमाग बड़ा करना है। और मेरे ख्याल से इसी के बाद वो क्या कहते हैं, बाजीगर इसी को कहते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वो क्या है, आंखों देखी मक्खी भी खा ले बंदा, तो बाजीगर वही होता है। कोई दूसरा दूल्हा आपको सता सवित्रा जो है नहीं मिलेगा। अच्छा जी,
तो मिशु ने टिप पूछी है कि उर्दू शायरी याद करने का क्या तरीका है, यू लाइक इट। अच्छा मिशु, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। वैसे तो मैं बहुत समझदार हूँ, केमिस्ट्री की इक्वेशंस में मेरा माइंड वर्क्स लाइक एनीथिंग, न्यूमरोलॉजी में माइंड वर्क्स लाइक एनीथिंग, लेकिन ये उर्दू शायरी में मेरा दिमाग नहीं चलता। और मैंने लिटरली, लोग जिस तरह बाकी चीज सब्जेक्ट से रट्टे लगाते, मैं उर्दू के रट्टे लगाकर गई थी वर्ड टू वर्ड। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि चार पांच शेर ऐसे हैं कि जिनका मैं जन्नत इधर उधर करके आ गई हूँ, जिसके मैं पत्ते इधर उधर करके आ गई हूँ, जिसकी कुछ चीजें मैं शेरों में इधर उधर करके आई हूँ। मैं उर्दू में अच्छी खासी 8-10 गलतियां शेरों में करके आई थी, और मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार कितना। तो मैंने ना जब प्रैक्टिकल लाइफ में आई, वो तो चलो पर्चा था, 8-10 गलतियां माफ हो गई, लेकिन जब मैं रेडियो पर आई, और तो मुझे पता था ये मेरा मसला है, और मुझे मिला शेरो शायरी का शो शुरू में कि आप शेरो शायरी करें, तो मुझे शेर तो याद होते नहीं थे, मैं तो पढ़ पढ़ के शायरी करती थी। लोग कहते क्या शायरी करती हूँ, उस वक्त डिजिटल था नहीं, लोगों को पता नहीं चला कि मैं तो किताबों से पढ़ पढ़ के शायरी करती हूँ, मुझे याद तो आज तक एक शेर भी नहीं है। तो वो जो किताबों से पढ़ पढ़ के शेर थे, वो मेरी जबान पे कोई आधा शेर गालिब का रह गया, आधा शेर फराज का रह गया, आधा इसका रह गया, आधा उसका रह गया, तो मुझे कभी भी पूरा शेर याद होता ही नहीं था। अब देखो, पर्चे में तो आपको नंबर लेने हैं, तो वो तो आपको रट्टा लगाना है। अब रियल लाइफ में तो आपने किसी से नंबर नहीं लेना ना, तो रियल लाइफ में थोड़ा सा मैंने उसको इजी किया कि मैंने उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, लब्बे लुबाब को अपने अंदाज से शेर बना दिया कि चलो ठीक है, मैं ये नहीं क्लेम कहती शायर ने कुछ ऐसा कहा था, तो अपने हिसाब से उसको शायरी में बदल दो। तो वो आप उसके ऊपर फिर कॉपी राइट का फिर वो भी नहीं लगता, और चरबासाजी भी नहीं, इंस्पिरेशन हो जाती है। सो आई काइंड ट्राई दैट कि गालिब ने ये कहा था, लेकिन जैसे कहा था वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ गालिब अगर कहते तो ऐसे कहते, लेकिन हाँ हम कहेंगे तो कैसे कहेंगे, ये एक्चुअली अंदाजे बयां होता है। और तो मैंने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया, तो इट ऑलवेज वर्क। तो अब मैं टूटे फूटे शेर भी बोल देती हूँ तो नोबडी रियली माइंड्स इट, बिकॉज दे नो कि शायर का मतलब एक्सप्लेन हो गया है, लेकिन हाँ कुछ अपने लफ्जों में। तो दिस इज वन टिप, लेकिन अगर उसके लिए याद करना है पेपर के लिए, तो देन देयर इज ओनली रट्टाफिकेशन दैट कैन हेल्प यू, अदरवाइज नथिंग। ओके, वी आर बैक इन स्लो जैम्स, और हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। अच्छा जी, मीशू और मीशू के सवाल। इज देयर एनी पोर्शन दैट कैन मेक मी ओवरली इंटेलिजेंट, डिस्टिंग्विशली ब्यूटिफुल? ओ यस, देयर इज अ पोर्शन विच कैन मेक यू इवन मोर स्ट्रोंगर देन वट यू आर आस्किंग फॉर, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। When you love yourself enough that you don't need anybody else, or when you really don't need anything else in your life, and you feel like you are whole, and you can love yourself, and you can live with by yourself, and you are not actually being with someone or needing someone for the just sake of needing someone. It could be a desire, it could be a want, it could be anything, but yeah, self-love is the only portion that can actually help you to be who you are. So I guess self-love, और अगर आपको कम लगे तो self-love में थोड़ा और self-love डाल लें तो it works. But you don't tell us the recipe. Oh yes, I don't tell the recipe, I only sell the product. So you have to... You have to pay for it, man. Even self-love is not for free. तो self-love के लिए थोड़ी investment करनी पड़ती है अपने ऊपर, जिम जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हेल्दी डाइट करनी पड़ती है, अपनी सोचों पर चौकीदार बन के बैठना पड़ता है कि nobody dares to put the wrong thoughts, और कोई गंदे ख्याल मेरे जहन में अपनी हरकतों की वजह से या किसी भी वजह से मेरे मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना करे। अपने मेंटल पीस के ऊपर नागिन बन के बैठना पड़ता है, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट लाइक अ तिजोरी, खजाने वाली, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज आपका अपना मेंटल पीस है। अगर वो पीस में नहीं है तो आप पीस पीस में रह जाएंगे, आप कभी भी पीस में नहीं आएंगे। तो वन पीस रहने के लिए अपना मेंटल पीस जो है वो बरकरार रखना जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ लव में अपने हार्ट को इमोशनली सिक्योर रखना, और दूसरों के साथ रहने के बावजूद भी अपने आप को इमोशनली डिटैच रखना। ये नहीं कि सामने वाला आपके दिल से माइंड गेम्स खेल रहा है, सामने वाला आपको इनसिक्योर करा रहा है, या सामने वाला किसी
अपने किसी बैड जर्नी से गुजर रहा है और अपनी किसी डिफिकल्टी से गुजर रहा है, और सिर्फ इस वजह से कि आप उसके साथ कनेक्टेड है, इस वजह से यू आर जस्ट सफरिंग लाइक अ गेहूं इन अ, नहीं क्या कहते हैं, घुण के साथ गेहूं, नहीं घुण की तरह गेहूं में पिस रहे हैं, तो इट्स एक्चुअली ट्रोमेटिक कि यार आपको तो कुछ मिलना भी नहीं है. चलो जिसका असल जंग है उसको तो शायद कुछ मिल भी जाए, लेकिन आपकी तो जंग ही नहीं है, तो आप पिस भी रहे हो और आपको कुछ मिलना भी नहीं है. तो ऐसी दिल की जंगों से खुदा हमें बचाए, और उससे उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है. लव योर सेल्फ एनफ दैट यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू लव यू मोर, टू अप्रिशिएट यू, टू वैलिडेट यू, टू व्हाटएवर. और तीसरी चीज सबसे बना के रखें बॉस, डिप्लोमेसी. जिंदगी इज द की टू सक्सेस इन एवरी वर्ल्ड, चाहे फैमिली है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपके ऐसे ही जानने वाले हैं. जब तक आपकी सबसे नहीं बनेगी, आपको कभी फेक भी करना पड़ जाता है, कभी आपको ड्रामा भी करना पड़ जाता है, कभी नाटक भी करना पड़ता है, कभी आंखों देखकर भी आपको चुप रहना पड़ता है, कभी आपको अंधे बहरे भी हो जाना पड़ता है लोगों की हरकतें देखकर, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस. कि ठीक है कुछ चीजें हो रही हैं आपके सामने, बट स्टिल यू डोंट सी इट, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस. सो दैट्स ऑल्सो बिकॉज विद माइंड यू कैन प्ले दैट मंकी माइंड, बट विद हार्ट इट्स द एक्सेप्टेंस. So self-love is the only way. Yo, I'm serious this time. I really want to feel pretty. I'm getting 8 hours of sleep every night, exercising every day, and eating healthy, but still can't get rid of my dark circles and acne. Drink plenty of water. Hydrate yourself and plenty of water, and sweat a lot of water out of your body. This is the only way to detox your skin, because water is the only ingredient that keeps your skin healthy. बाकी सारी चीज़ें आपके स्टमक के लिए, ब्लड के लिए, बोन्स के लिए, ये, लेकिन पानी डायरेक्ट आपकी स्किन में जाके अब्जॉर्ब होता है, क्योंकि जो स्किन की लेयर है वो टोटल 100%, वैसे 75% आपकी बॉडी में वाटर है, और जितना आप नॉर्मल हेल्दी वाटर पियेंगे उतनी आपकी स्किन जो है वो ताज़ा तरोताज़ा रहती है. जेनेटिक भी होता है कि आपका जीन कुछ खूबसूरत होता है तो आपकी स्किन खूबसूरत होती है, बट उसके साथ साथ पानी का बहुत अमल दखल होता है. सो माय ब्यूटी सीक्रेट फॉर माय ग्लोइंग स्किन इज प्लेंटी ऑफ वाटर. दिन में आप 18 गैलन का पानी पी जाएं, मर्जी आपकी, जितना आपको लगे कि आप हाइड्रेटेड रहें, थर्स्टी ना फील करें, और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यू आर लैक ऑफ वाटर. तो ये जो हल्के हैं या जो है ये पानी हाइड्रेशन से जाएगा, प्लस आपकी ब्लड की कमी होगी. तो अपने ब्लड प्योरीफायर्स, जो कि मेरा एक लव पोशन है जो मैं बनाती हूँ, तो वो मैं यहाँ नहीं बता सकती, वो ट्रेड सीक्रेट है, वो मैं आपको डीएम में बता दूंगी. ओके, वी आर मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग, और वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है. शुक्रिया शुक्रिया मेरे पिया, नहीं वो गाना बिल्कुल भी नहीं है. मुझे लग रहा है हिंदुस्तानी गाने अनकरीब खुलने वाले हैं, इधर वाइब आ रही है, तो थोड़ी देर और ठहर जा. नहीं 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 यार, थोड़ी देर ना, ये जो थोड़ी देर का ठहरना है ना, ये ठीक नहीं है. जिसने ठहरना है वो लाइफ टाइम के लिए ठहरे, वरना अभी कट ले. तो ये जो थोड़ी थोड़ी देर की बातें हैं ना, थोड़ी देर तेरी मेरी बातें, ये मुलाकातें, ये सब फजूली. अच्छा जी, कोक स्टूडियो के यक बा यक, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, दो गाने मुझे अच्छे लग गए हैं. म्यूजिक बहुत अच्छा है और इट्स गोइंग गुड एंड आई एम लाइकिंग इट. सो कितने ने कोक स्टूडियो दे गाने. अच्छा जी, 2 AM तो खा हर पासे. चलिए जी गाना सुनाते हैं. दिस इज अ नाइस सॉन्ग, लेट्स वाइब ऑन दिस. Back in slow jams, and yes, this is me, Sana Humayo, Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात. Oh yes, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर, सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM. और मेरा FM को आप कहाँ कहाँ सुन सकते हैं वो मैंने बता दिया. यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस, देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग. तो नेक्स्ट सॉन्ग इज व्हाट द इम्पोर्टेंट वन, तो खा हर पासे आए मौसम रंगीले सुहाने. चलते Yeah, we are back in slow jams, and yes, this is me, Sana Humayo, Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. और अभी हम जा रहे हैं अगले गाने की तरफ. Well, I'm gonna play this beautiful song from 90s pop rock. So stay tuned with us.
जी हाँ जनाब, रातें ख़त्म हो जाती हैं पर बातें ख़त्म नहीं होती हैं। वो क्या है कि ज़िंदगी का कुछ डिलेमा ऐसा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मुसीबतें ख़त्म नहीं होती हैं। चले जनाब, इसी के साथ आपका हमारा साथ भी ख़त्म हुआ चाहता है, पर ये सिलसिला रहेगा बाकी, क्योंकि कल होगी फिर आपकी मेरी मुलाकात। चारो नाइट में स्टे ट्यून टू मेरा FM, बिकॉज आई एम लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडीज। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक ऑन टू 107.4 फ्रीक्वेंसी। टाटा, गुड नाइट एंड शब्बा खैर फॉर टुनाइट। This is Mira FM 107.4.